हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फैक्ट्स टोम यूट्यूब चैनल पर। वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक नए युद्ध का आगमन हुआ, जिसे हम कोल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। यह कोई मैदानी जंग नहीं थी, बल्कि खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना इस जंग का मकसद था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रही अंतरिक्ष दौड़ में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। यह घटना है 1967 की, जब सोवियत सरकार ने दो अंतरिक्षयान लॉन्च करने का निर्णय लिया। पहला यान था सोयुज 1, जिसमें एक अनुभवी टेस्ट पायलट और वॉस्कॉट 1 के कमांडर व्लादिमीर कोमारोव को खुद सवार होना था, और अगले ही दिन सोयुज 2 को अंतरिक्ष में उड़ान भरना था, जिसमें दो अन्य अंतरिक्ष यात्री सवार होते। सोयुज 1 अंतरिक्षयान पूरी तरह से उड़ान के लिए तैयार नहीं था, उसमें कई कमियां थी। व्लादिमीर और एयरफोर्स के कुशल इंजीनियर्स इस बात को जानते थे, इसीलिए डेवलपमेंट टीम ने इस मिशन को कैंसिल करने के लिए सरकार को प्रार्थना पत्र भेजा, परंतु आला अधिकारियों ने इसे अनदेखा कर दिया। उन्हें बस इस बात की परवाह थी कि कहीं अमेरिका उनसे आगे न निकल जाए। व्लादिमीर जानते थे अगर उन्होंने इस मिशन पर जाने से मना किया तो वह एयरफोर्स से हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिए जाएंगे, और दूसरी वजह यह भी थी कि अगर वह इस मिशन पर नहीं गए तो उनकी जगह यूरी गैगरिन को इस मिशन पर भेज दिया जाएगा, और वह जानबूझकर अपने दोस्त को मौत के मुंह में ढकेलना नहीं चाहते थे। योजना के अनुसार दोनों यानों को स्पेस में निश्चित जगह पर मिलना था, जहां व्लादिमीर को अपना यान छोड़कर दूसरे यान में बैठकर पृथ्वी पर वापस आना था। 23 अप्रैल 1967 को सोयुज 1 अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, और कुछ ही देर बाद वह अनंत स्पेस में जा पहुंचा। परंतु अंतरिक्ष में जो स्थान निश्चित किया गया था, वहां पहुंचने में यह यान असफल रहा। कारण, जो दो सोलर पैनल यान में लगे थे उनमें से एक अनफोल्ड नहीं हुआ, जिससे यान को पर्याप्त ताकत नहीं मिल रही थी। इस घटना के बाद सोवियत संघ ने सोयुज 2 का लॉन्च कैंसिल कर दिया, जो कि अगले दिन होना था, और व्लादिमीर को वापस आने का हुक्म दिया। पृथ्वी के 18 चक्कर लगाने के बाद व्लादिमीर आखिरकार धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने में सफल हो गए। 23,000 फीट की ऊंचाई पर उन्हें अपना कैप्सूल यान से अलग करवाना था और पैराशूट खोल पृथ्वी पर लैंड होना था। कैप्सूल को यान से अलग करने के बाद उन्होंने अपना पैराशूट खोलना चाहा, परंतु वायुमंडल में प्रवेश के दौरान हुई मुश्किलों के वक्त पैराशूट की तारें आपस में उलझ गई, जिससे पैराशूट खुल नहीं पाया और उनका कैप्सूल सीधा धरती से जा टकराया, जिससे एक भारी विस्फोट हुआ, और 24 अप्रैल 1967 के दिन व्लादिमीर कोमारोव स्वर्गवासी हो गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।